थाणम आगम के तीसरे स्थान में कहा गया है, शेणम भन्ते पत्तक खाने किं फले संजम फले। भन्ते, वह प्रत्याख्यान किस फल वाला होता है? संयम फल वाला होता है। आदमी किसी चीज का प्रत्याख्यान करता है, उसे अस्वीकार करता है, उसके विरुद्ध कथन करता है और छोड़ देता है, गलत चीज को छोड़ देता है, उसका आचरण न करने का संकल्प ले लेता है, उसका फल क्या होता है? शास्त्रकार ने कहा कि प्रत्याख्यान का फल है संयम, जीवन में संयम हो जाएगा। संयम क्या है? सम सम्यक्तया, यमः उपरमः विरतिः, सम्यक प्रकार से विरति हो जाती है, उपरम हो जाता है, विरमण हो जाता है। जैसे एक आदमी ने प्रत्याख्यान यह किया कि जिंदगी भर शराब पीने का त्याग है, प्रत्याख्यान है। अब वह प्रत्याख्यान कर चुका है, उसका जीवन शराब से मुक्त रहेगा। यदि प्रत्याख्यान का पालन करेगा तो जीवन शराब से मुक्त रहेगा, यह शराब का संयम उसके जीवन में हो गया। और संयम एक आत्मोत्थान का साधन है। प्रत्याख्यान से जहां आत्मकल्याण होता है, वहां बाह्य व्यावहारिक दृष्टि से भी समस्या से मुक्ति रह सकती है। एक कहानी आपको सुनाऊं कि त्याग से कैसे बाह्य लाभ भी, आत्मा का लाभ साथ में बाह्य लाभ भी। दो बातें सुनानी है। पहले एक कहानी, एक गांव में कोई संतों का सिंगाड़ा गया, छोटा गांव था। शाम को संतों ने व्याख्यान किया, गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। घंटा भर लगभग संतों ने व्याख्यान दिया, कहानी, श्लोक, भजन। उसके बाद में संत बोले, कोई नियम लो, प्रत्याख्यान करो, कोई त्याग करो। कई लोगों ने प्रत्याख्यान किए। एक वो लड़का 20 वर्ष का लगभग था, सामने बैठा था। संत बोले, तुमने कोई प्रत्याख्यान नहीं किया कि आप बताओ क्या करूं? कर चोरी मत करना कभी, कर चोरी तो मुझे करनी पड़ती है, उसके बिना तो रह नहीं सकता, वो मेरा जीविका का साधन बना हुआ है। तो लड़का बोला, महाराज जब तक आप हमारे गांव में रहोगे तब तक चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, पर चोरी के लिए जाने से पहले पहले एक बार आपका दर्शन जरूर करूंगा। सूर्य अस्त होने के बाद में रात्रि में एक बार आपका दर्शन करूंगा, दर्शन किए बिना मैं चोरी के लिए नहीं जाऊंगा। संतों ने कहा, ठीक है, प्रत्याख्यान करो कि जब तक हमारा प्रवास है इस गांव में, सूर्य अस्त होने के बाद जब तक दर्शन नहीं कर लोगे तब तक तुम चोरी के लिए नहीं जाओगे, कराओ, त्याग कराओ मुझे। संतों ने प्रत्याख्यान करा दिया कि दर्शन किए बिना चोरी के लिए नहीं जाना, यानी दर्शन करना जरूरी है, तब तक चोरी के लिए नहीं जाओगे जब तक दर्शन संतों के नहीं कर लोगे। नियम ले लिया, प्रत्याख्यान कर लिया। एक दिन वह लगभग 9 बजे के आसपास चला कि महाराज संतों के दर्शन कर लूं, बाद में मुझे चोरी के लिए जाना है। तो उनकी चार चोरों की एक मंडली थी। इस एक चोर के नियम था दर्शन करने का, तो वह रात को गया। थोड़ा अंधेरा था और संतों के प्रवास स्थल की ओर बढ़ रहा था, एक कोई कांटा चुभ गया।
इसके पैर में जिसके नियम था दर्शन करने का, कांटा, तीखा कांटा चुभ गया। अब उसको निकालने का प्रयास किया, थोड़ा सा टूट गया अंदर, वेदना हो गई, अब चलना मुश्किल हो गया। इस चोर ने सोचा कि अब एक बार तो घर वापस जाना पड़ेगा, संतों का प्रवास स्थल तो दूर है थोड़ा, घर तो पास में ही है, वापस घर चला जाऊं। वह तो घर आ गया, उसके तीन साथी थे चोर, वे बोले बोलो चल चलो। उसने कहा भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे तो तकलीफ हो गई पांव में, तुम लोग भले जाओ तुम्हारी इच्छा, मैं तो आज जब तक संतों के दर्शन नहीं करूंगा तब तक भी नहीं जा सकता, और ऐसे भी आज पैर में दर्द है कांटे के कारण से, तो वह नहीं जा सका। वे तीन चोर चले गए, तीनों चोर राजमहल में घुसे चोरी के लिए। योग था कि तीनों पकड़ में आ गए, राजपुरुषों ने, आरक्षकों ने पकड़ लिया कि तुम चोर हो, और तीनों को एक कोठरी में डाल दिया। सवेरे राजा के पास हाजिर किया उनको। अधिकारी लोग बोले महाराज जो हमारी राजधानी में जो आतंक फैला रहे हैं चोरी के माध्यम से, ये लोग हैं, ये बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं, ये प्रमाणित है, इन्होंने जगह जगह चोरियां की हैं। राजा ने थोड़ी देर ध्यान देकर कहा कि ठीक है जेल में डाल दो। अधिकारी बोले महाराज जेल में तो डाल देंगे पर ऐसे लोगों को तो पूरा सबक सिखाओ आप, वरना काम नहीं चलेगा। अधिकारियों का परामर्श था इनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। राजा ने अधिकारियों की बात मान ली और फांसी की सजा सुना दी कि पहले इनको गद्दे पर बिठाओ, मुंह काला करो, घुमाओ राजधानी में, उसके बाद इन तीनों को फांसी की सजा दे दी जाए। अब तीनों को घुमाया गया, काला मुंह किया गया, और गद्दों पर ऊंधे बैठे हुए थे तीनों, जुलूसा निकला उनका, लोग उन पर थूक रहे थे कि पापी हैं, आतंकवाद चोर हैं। वह उनका वो बदनामी का जुलूस उस चोर के घर के सामने से निकला जिसके कांटा चुभ गया था। देखा रे मेरे साथी तीनों हैं और फांसी की सजा होने वाली है। अब तो संवेदना ही व्यक्त कर सकता था, और तो बेचारा वो चोर क्या कर सकता था। उन तीनों का तो जो होना सा सो हो गया। अब इस चोर ने सोचा अरे मैं तो बच गया, संतों के दर्शन करने का नियम लिया था, दर्शन करने जा रहा था और कांटा चुभा नहीं जा सका, चोरी के लिए भी नहीं जा सका, तो मैं तो बच गया फांसी की सजा से, वरना इनके साथ होता तो मेरी भी यही हालत हो जाती। अब उसके मन में आया रे एक मैंने प्रत्याख्यान लिया था कि संतों के दर्शन के बिना चोरी के लिए भी नहीं जाऊंगा, इस एक प्रत्याख्यान ने मुझे तो बचा दिया। संतों के ठिकाने की ओर जा रहा था, वहां रास्ते में कांटे थे, वो कांटा कोई चुभा, आगे जा नहीं सका, चोरी भी कर नहीं सका, तो मैं बच गया। तो एक प्रत्याख्यान लिया कि दर्शन किए बिना चोरी नहीं करूंगा, वो भी सूर्यास्त के बाद दर्शन करना है, उसके बिना चोरी के लिए नहीं जाऊंगा। एक प्रत्याख्यान ने मुझे तो जिंदा रख दिया, वरना मैं तो मौत के मुंह में चला जाता। साधु दर्शन लाभ है बड़ भागी दर्शाए, जिन रंग सूली ने सजा कांटे में टल जाए। सूली की फांसी की सजा कांटे में समाविष्ट हो गई, समाहित हो गई। तो एक प्रत्याख्यान किया कि दर्शन करना, एक प्रत्याख्यान के निमित्त से या उपादान से जो भी, कितना बड़ा इसको अभाव से बचाव का अवसर प्राप्त हो गया।
तो प्रत्याख्यान करने से जहाँ संयम होता है, आत्मा संयमित बनती है, वहीं बाह्य लाभ या बाह्य नुकसान से बचाव भी आदमी का हो सकता है। त्याग प्रत्याख्यान अपने आप में बड़ी चीज होती है। एक दूसरी बात बताऊं आपको प्रत्याख्यान की। चार मित्र यात्रा के लिए जा रहे थे तो रात्रि में एक बुढ़िया के वहाँ ठहरे। बुढ़िया का छोटा सा मकान था, बहुत दयावान थी बुढ़िया। पूछा कि रात को बासा कर लें कि हाँ बेट कर लो बेटो, रात को सो जाओ। स्थान दे दिया। सवेरे उनको जल्दी झांझरके में यानी सूर्योदय से पहले ही आगे के लिए रवाना होना था, तो बुढ़िया बोली कि लो सुबह जाओ तो गर्मी की मौसम छाछ पी करके चले जाना, सुबह में छाछ तैयार हो जाएगी, तुम छाछ पी करके चले जाना। चारों जल्दी उठ गए तो वो बुढ़िया ने सूर्योदय से बहुत पहले ही छाछ तैयार कर दी, लो छाछ पी लो। एक बोला मेरे तो प्रत्याख्यान है, नवकारसी का प्रत्याख्यान है मेरे, कि नवकारसी आए बिना मैं कुछ भी मुंह में रात के 12 बजे के बाद पानी भी नहीं लेता मुंह में नवकारसी आने तक। यह मेरे संतों का नियम दिया हुआ, मेरा नियम लिया हुआ है, मैं रोज नवकारसी करता हूँ। तो तीन बोले माँ हमारे तो कोई नवकारसी नहीं, हमको भले किला दो छाछ, यह भले नवकारसी करे, हम तो छाछ पी के जाएंगे। तीनों ने छाछ पी ली। इसने कहा मैं तो भूखा जाऊंगा, मैं नौकाशी के बाद कुछ मिलेगा तो करूंगा, नौकाशी से पहले कुछ नहीं लूंगा। अब तीनों ने छाछ पी ली, आगे बढ़े और सूर्योदय के बाद जब एक घंटा करीब दिन चढ़ा, तब वो चौथा बोला कोई कुछ मिलेगा तो मैं दूध नाश्ता कुछ कर लूंगा। तो कहा ठीक है तुम दूध नाश्ता कर लो, हम लोग थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। वो तीनों सोए, चिर निद्रा में चले गए। छाछ जो पी थी उसमें कोई सांप था, उस सांप का जहर उसमें मिल गया था। अंधेरा था, बुढ़िया ने वो मंथन किया, कोई सांप पड़ा था उसका भी मंथन हो गया, विष छाछ में मिल गया। तीनों का विष युक्त छाछ पान से मरण हो गया, देहांत हो गया, वह एक बच गया। अब प्रत्याख्यान किया हुआ था नवकारसी का, उस प्रत्याख्यान के उपादान या निमित्त से चौथा मित्र तो बच गया, ये तीनों मर गए। तो प्रत्याख्यान से बाह्य लाभ भी हो जाता है, आदमी नुकसान से अपना बचाव भी सहजतया कर सकता है। प्रत्याख्यान का मूल फल है संयम, जीवन में संयम होता है। नवकारसी का त्याग कर लिया, अब नवकारसी तक तो निश्चिंत है, खाना ने पीना कोई बात ही नहीं। अब नवकारसी तो छोटा सा प्रत्याख्यान है, कोई शरीर की सुविधा हो, स्वास्थ्य की अनुकूलता हो तो नवकारसी अगर आदमी कर ले, चारों आरों का त्याग, ऐसा नहीं कि पानी पी के नवकारसी करूं, वो नहीं, पानी पानी कुछ नहीं है, नवकारसी चौबिहार ही होती है, त्रिविहार नवकारसी नहीं, नवकारसी चौबिहार होती है। पानी पिए फिर तो उसको नवकारसी नहीं बोलना चाहिए, और कुछ भले बोल दो नवकारसी नहीं बोलना, पानी पीकर कोई करे तो चौबिहार करे वो नवकारसी होती है। कि कुरला तो करूंगा फिर नवकारसी नहीं मानी जाएगी, कुरला करोगे तब तो कोई कर सके, स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता हो तो नवकारसी अपने करता रहे ना, तो एक छोटा सा तप प्रत्याख्यान अपना होता रहता है, वो जीव आत्मा का घड़ा है, छोटे छोटे इन मोतियों से मानो संभृत होता रहता है, भरता है। तो 10 प्रत्याख्यान का नाम कभी आपने सुना होगा, नवकारसी, पोरसी, पुरीमाल, अयम्बिल आदि आदि अभिग्रह, 10 प्रत्याख्यान होते हैं। 10 प्रत्याख्यान लगातार 10 दिनों तक कोई करे, 10 प्रत्याख्यान का एक क्रम, यूँ करते 250 प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं, एक वर्ष में कोई कर ले 250 प्रत्याख्यान, 10 10 10 10 10 यूँ करते करते 25 बार यूँ अगर 10 10 का कर ले 250 प्रत्याख्यान हो जाए। तो यह प्रत्याख्यान जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है और साधु की पर्युपासना से प्राप्त होने वाला तत्व है,
परियोपासना से श्रवण, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, और प्रत्याख्यान का फल है कि जीवन में संयम हो जाता है। तो साधु के तो जिंदगी भर का सावध्य योग का तीन कर्ण, तीन योग से प्रत्याख्यान होता है। साधु का प्रत्याख्यान अंतिम श्वास तक का है, यावत जीवन का है। सर्व सावध्य योग का त्याग तो भी तीन कर्ण तीन योग से। श्रावक तो उसकी बराबरी कर भी कैसे सके। तीन कर्ण तीन योग से यावत जीवन सर्व सावध्य योग का त्याग। श्रावक होते हैं वे सामायिक करते हैं, उसमें भी सावध्य योग का प्रत्याख्यान होता है, तो वो सीमित काल के लिए, एक सामायिक की एक मुहूर्त का त्याग हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, वो भी सर्व सावध्य योग का नहीं हुआ, एक सापेक्ष सावध्य योग का होता है। दो कर्ण तीन योग से करेंगे तो छह भंगों का, छह कोटि का त्याग हो गया। छह कोटि का अनुमोदन करूं नहीं, वचन से काया से इतना और त्याग कर दोगे सामायिक के प्रत्याख्यान के साथ तो आठ कोटि का हो गया। कोई यह कर ले कि सामायिक तीन कर्ण तीन योग से मुझे त्याग है तो नौ कोटि का तीन कर्ण तीन योग से प्रत्याख्यान हो गया श्रावक के सामायिक के काल में। परंतु फिर भी साधु का जो त्याग है तीन कर्ण तीन योग का, उसकी तुलना में आप नहीं आ सकते, उसकी बराबरी में नहीं आ सकते। पहली बात, स्वल्प काल के लिए त्याग है। दूसरी बात, वो तीन कर्ण तीन योग से सावध्य योग का त्याग है, वो भी सापेक्ष है, क्योंकि आपके गृहस्थों के तो सावध्य काम संसार के चलते हैं। आप इधर आए घर में कह के कि आज वो साग बनाना, त्योरू का साग बनाना, ककड़ी का बनाना, करेले का बनाना कह के आ गए, वह साग बन रहा, साग क्यों बन रहा है, आपके कहने से बन रहा है, तो उस सावध्य के भागीदार आप हैं साथ में। तो सामायिक में भी वो काम आरंभ समारंभ का हो रहा है तो आपके कहने से हो रहा है, इसलिए उस सावध्य योग में आप से बागी बने हुए हैं। तीन कर्ण तीन योग से त्याग कर भी देंगे तो भी वो सापेक्ष त्याग ही माना जा सकेगा, निरपेक्ष पूर्णतया गृहस्थ के वो तीन कर्ण तीन योग से त्याग इस रूप में सामायिक में नहीं हो पाता है। इसलिए साधु के जो त्याग है जीवन भर का तीन कर्ण तीन योग से सर्व सावध्य योग का, वो बड़ा त्याग होता है, बड़ा प्रत्याख्यान होता है। तो यह प्रत्याख्यान जितना आदमी करे, कोई यह कर ले सहाय प्रत्याख्यान, मैं दूसरों का सहयोग नहीं लूंगा, मैं अपना काम करने में दूसरों का सहयोग नहीं लूंगा, मेरे कपड़े धोने हैं मैं दूसरों से नहीं धुलवाऊंगा, मुझे पानी पीना है मैं दूसरों से नहीं मंगवाऊंगा, अपना दूसरों से कोई पानी नहीं मंगवाऊंगा, यानी दूसरों से मैं अपना काम नहीं करवाऊंगा। सहाय प्रत्याख्यान, कोई सहायक सहायता का उपयोग मैं नहीं करूंगा। एक सीमा तक ऐसा प्रत्याख्यान भी हो सकता है, मैं दवाई नहीं लूंगा या अमुक प्रकार की दवाई नहीं लूंगा, मैं अमुक दवा का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसा कोई प्रत्याख्यान कर दिया, दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए, जितना भी किया वह भी प्रत्याख्यान हो गया। मैं सात द्रव्यों से ज्यादा नाश्ते में नहीं लगाऊंगा, प्रत्याख्यान हो गया। ऐसे विभिन्न रूपों में प्रत्याख्यान हो सकता है, उस प्रत्याख्यान के अनुरूप संयम जीवन में हो जाता है। इसलिए यह शास्त्रकार ने बताया है कि प्रत्याख्यान का फल है संयम। एक घंटा बोलने का त्याग कर दिया तो आपका एक घंटा का संयम हो गया, वाणी का एक घंटा का संयम, तो प्रत्याख्यान किया, फल क्या हुआ, संयम हो गया। इसलिए प्रत्याख्यान का फल है संयम।